फिर से बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि आप टिकटॉक पर इस टाइप का वीडियो देख सकते हैं, जो चंदन जुबेर के साथ जो टिकटॉक पर वीडियो अपलोड हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको लाइक एंड व्यूज आ रहा है। आज हम इसी के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाले हैं, चंदन जुबेर के साथ आप टिकटॉक पर वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन और ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। दोनों वीडियो का लिंक आपको दे दिया गया है। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे बताता हूँ सेटअप बाय सेटअप किस तरह से वीडियो को शूट करना है और कैसे एडिट करना है। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को आपको सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। तो आपको वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है। तो वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाएगा। वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप वीडियो को रोटेट कर देना है। इसके बाद हमें करना क्या, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद करना क्या, लास्ट में कुछ पार्ट्स आपको एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना है। तो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इससे क्या होगा, राइट साइड के पास जो भी एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो जाएगा। ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्रोमा की को इनेबल कर देना है और यहाँ पे कलर की के आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसका जूम कर लेना है। तो इसमें आपको सॉन्ग ऐड नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें सॉन्ग ऐड है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। डन करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद हमें एक बार फिर से हमें बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे वो वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और वीडियो को आपको सही तरह से आपको जूम कर लेना है। ठीक है, वीडियो हमारा कुछ इस टाइप का देखने को है, तो या फिर आप जूम कर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि लगना नहीं चाहिए कि वीडियो एडिट किया गया। इसके बाद इसे डन कर देना है। तो आप वीडियो देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरह का देखने को मिल गया। तो आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो सिंपल आपको लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो सिंपल मैंने इमेज एक डाउनलोड करके रख रखा हूँ, डाउनलोड पे आना है। तो जो भी आपको इमेज लगाना है वो आप यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम इसे जूम कर लेते हैं। इसके बाद ब्लेंडिंग पे आना है और इसके बाद आप इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको ओपेसिटी के कम बेस अपने हिसाब से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड भी लगभग चेंज हो गया। इसे आपको क्लिक करना है और बैकग्राउंड को यहाँ पे तक फुल कर देना है। आपको यहाँ पे सॉन्ग ऐड नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें सॉन्ग ऐड है। आपको करना क्या, सिंपल लास्ट में आपको जो है वॉइस जो है आपको स्लो हो जाता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। डन करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा वीडियो जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।